विल नाउ सी द रिमेनिंग सम्स ऑफ सेशन एक्सरसाइज फोर, सेशन फोर। सो ये लाइन बाय लाइन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 46। देन क्वेश्चन नंबर 40th, वी आर गिवन इंटीग्रेशन सीक एक्स टू प्लस सीक एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 सीक एक्स द होल स्क्वायर dx। इसको हम लोग कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 बाय कॉस एक्स 2 प्लस 1 बाय कॉस एक्स dx डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस 2 बाय कॉस एक्स द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस एक्स इंटू 2 कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय। अच्छा, जब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर, नीचे भी ये कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो विल बी लेफ्ट विथ कॉस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये जो 1 है इसको हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। सो 2 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस प्लस 2 द होल स्क्वायर। तो ये dx वगैरह मैं लिखता नहीं, जो इसका क्रक्स है उसको बताते जाता हूँ। इसमें हम लोग cos को कॉमन निकालेंगे, सो 2 प्लस cos प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos प्लस 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos प्लस 2 द होल स्क्वायर, ये दो इंटीग्रल्स में ब्रेक हो जाएगा। सो दिस इज इंटीग्रल cos बाय cos प्लस 2 प्लस इंटीग्रल साइन स्क्वायर बाय cos प्लस 2 द होल स्क्वायर, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। अब हम लोग इस पे आएंगे, इस पे हम लोग ये वाला जो फंक्शन है 1 बाय कॉस प्लस 2, इसको फर्स्ट फंक्शन u फंक्शन लेंगे और ये जो कॉस x है उसको v फंक्शन लेंगे और इसको एज इट इज़ रखते हैं, इस पे अभी ध्यान नहीं देते, इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो 1 बाय कॉस प्लस 2 यू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल u डैश, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ कॉस, ये आ जाता है। सो जस्ट इसको मैं इवेल्यूएट कर रहा हूँ, सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ कॉस इज साइन अपॉन कॉस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, बट यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस इंटीग्रल साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर बाय कॉस प्लस 2 द होल स्क्वायर। हमने इसका इंटीग्रल यहाँ पे इवेल्यूएट किया है बट उसके आगे ये भी तो एडेड है, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस प्लस 2 द होल स्क्वायर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म, दीज टू विल कैंसिल आउट एंड विल बी लेफ्ट विथ साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस 2 प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ 40। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, इंटीग्रल लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स। तो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग 1 ले लेंगे dx, तो ये u फंक्शन हुआ, ये v फंक्शन, तो u इंटीग्रल dx, तो यहाँ पे आएगा x log रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रल u डैश, इसका डेरिवेटिव इंटू, तो log का डेरिवेटिव 1 बाय ये और फिर इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटीग्रल ऑफ v dx, तो यहाँ पे x dx ऐसा आ जाएगा। नाउ यू हैव x log रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस साइन है, इंटीग्रल है x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे 2 2 है तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे x बाय 2 लिख देते हैं, ये 2 आ गया और फिर इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस टर्म को मैं लिखता नहीं, अब इस पे ही अपन फोकस लगाएंगे, इसको सॉल्व करते जाते हैं। सो दिस टर्म नाउ इवेल्यूएट्स लाइक दिस इंटीग्रल, सो ये जो माइनस के बाद का इंटीग्रल है इसको हम लोग देखेंगे, तो x बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स
इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स माइनस रूट वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये जो है इनको रैशनलाइज करेंगे, सो इंटीग्रल एक्स बाय टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको जब रैशनलाइज करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा, ये टर्म्स आएंगे डिवाइडेड बाय क्या आएगा, इसका रैशनल फैक्टर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वन माइनस एक्स माइनस ऑफ वन प्लस एक्स ये आ जाएगा, दिस इज एक्स बाय टू रूट ऑफ वन माइनस स्क्वायर एंड हेयर वी हैव माइनस एक्स प्लस एक्स बीइंग कैंसल आउट, वन प्लस वन इज टू, टू कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे आएगा वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, वन वन कैंसिल आउट होगा माइनस टू एक्स, तो यहाँ पे ये टू कैंसिल, ये कैंसिल आउट होगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ प्लस माइनस, ऊपर शिफ्ट करोगे तो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म्स आ रहे हैं, सो नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ दिस अपॉन दिस इज वन माइनस इंटीग्रल वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेबल है, ये इंटीग्रेबल है, ये हमने ऑलरेडी निकाला था, तो इसका आंसर ये है, तो क्लब करके आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, क्वेश्चन नंबर 42, इंटीग्रल e रेज टू x, x रेज टू 4 प्लस 2 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाय 2 dx। यहाँ पे अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर करते हो तो 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर रेज टू 4 आता है, तो 1 प्लस एक्स रेज टू 4 का एक्सप्रेशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, फाइन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज ई रेज टू एक्स इन टू, ना एक्स रेज टू 4 प्लस 2 है ना, तो इसको 4 प्लस 1 लिखें, एक्स रेज टू 4 प्लस 1 प्लस 1, ये 2 को 1 प्लस 1 लिखेंगे, और यहाँ पे एक्स रेज टू 4 प्लस 1 जो है वो यहाँ से हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो विल हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, दिस टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस, फाइन। अगर नहीं समझ में आया तो ये देखो एक्स रेज टू 4 प्लस 2 है, तो एक्स रेज टू 4 प्लस 1 का एक्सप्रेशन है, इधर अगर आप 1 ऐड कर दोगे और यहाँ पे भी 1 ऐड कर दोगे तो एक्स रेज टू 4 प्लस 2 का एक्सप्रेशन ये है, भाई मैंने यहाँ पे पुट किया है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 3 बाय 2 डी एक्स, सो दिस इज इंटीग्रल ई रेज टू एक्स इन टू, नाउ ये अपॉन ये, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये फैक्टर नीचे लेके जाओ तो माइनस 2 होगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू, सो 3 बाय 2 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाय 2। अच्छा क्वेश्चन में 5 बाय 2 है, हियर इट इज़ 5 बाय 2, यहाँ पे भी 5 बाय 2 आएगा, एंड जब आप इस टर्म को सेपरेट आउट कर दोगे तो यहाँ पे क्या टर्म्स आएंगे, दिस विल बी इंटीग्रल ई रेज टू एक्स इन टू, सो दिस अपॉन दिस व्हेन यू डू यू गेट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ प्लस 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर रेज टू 5 बाय 2, ऐसे टर्म्स आ रहे हैं। अब ना आप इसका डेरिवेटिव लगा के देखो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वो देखते हैं, 1 अपॉन एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एफ एक्स स्क्वायर इन टू इस टर्म का डेरिवेटिव, तो हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ इन टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स, तो इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाय 2, ये है इसका डेरिवेटिव, तो हम लोग ये टर्म यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, सो इट विल बिकम ई रेज टू एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 एक्स रेज टू हाफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाय 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाय 2
और फिर ये वाला टर्म है प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू फाइव बाई टू। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो इसका इंटीग्रल अपने पास आ जाएगा क्योंकि ई रेज टू एक्स को अंदर शिफ्ट कर देंगे इस पे, तो ये फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा। बचेगा क्या? इंटीग्रल इसके साथ ई रेज टू एक्स इन टू, तो ये आप कैलकुलेट करके लिख देना यहाँ पे जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू थ्री बाई टू प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू फाइव बाई टू। अब ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू थ्री बाई टू इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स इंटू इस टर्म का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे ये टू टू कैंसिल आउट, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ आप कॉमन निकाल दो न्यूमरेटर में, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ अगर आप कॉमन निकालो तो यहाँ पे आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू थ्री, ये आ रहा है। और इस टर्म को अगर आप नीचे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे ऊपर है वन माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू थ्री माइनस हाफ दैट इज़ फाइव बाई टू। कहने का मतलब इसका डेरिवेटिव ये है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे हो गई? इसका डेरिवेटिव ये ई रेज टू एक्स के साथ अंदर इंटीग्रल, फिर इधर भी ई रेज टू एक्स ऐसे सेपरेट कर देंगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है। तो सॉल्व एग्जांपल ही है, आप टेक्स्ट बुक में देखना कैसे फ्लो है, बस मैं क्रूशल स्टेप्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल इज 43, क्वेश्चन नंबर 43। सो इट्स गिवन दैट इंटीग्रल साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा रेज टू ई रेज टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो अगर आप साइन थीटा को टी पुटअप करते हो, कॉस थीटा डी थीटा डी टी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा नाउ साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। एक्चुअली यहाँ पे ये एक्स्ट्रा साइन थीटा वाला टर्म है ही नहीं, ये गलती की है उन्होंने। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा को हमने टी पुट किया है, तो यहाँ पे आएगा थ्री टी माइनस फोर टी क्यू। सो ये इंटीग्रल है, बट इसका आंसर उन्होंने दे के रखा है। इसका आंसर उन्होंने दिया है ए साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इज़ वन माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन को हमने टी पुट किया है तो यहाँ पे वन माइनस टी स्क्वायर आएगा, प्लस सी साइन थीटा प्लस डी कॉस थीटा, कॉस थीटा इज़ रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई इंटू ई रेज टू साइन थीटा। तो पूरा का पूरा जो दोनों तरफ टी से हट साइन थीटा से हटके थीटा के टर्म्स से हटके टी के टर्म्स में आ गया, हम लोग दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये इंटीग्रल चला जाएगा, विल गेट ई रेज टू टी इंटू थ्री टी माइनस फोर टी क्यूब इज इक्वल टू। अभी राइट साइड पे क्या है कि एक ये फंक्शन ये वाला और फिर दूसरा ये फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ए टी क्यूब प्लस बी वन माइनस टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर प्लस ई इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस ई रेज टू टी इंटू इसका डेरिवेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे। देखो ई रेज टू टी ई रेज टू टी ई रेज टू टी विल कैंसिल आउट, टी क्यूब का दोनों तरफ इक्वेट करो, यहाँ पे टी क्यूब है ही नहीं, यहाँ पे है तो ए का वैल्यू आएगा माइनस फोर। फिर क्या करो आप, टी स्क्वायर का टर्म इक्वेट करो, यहाँ पे टी स्क्वायर का टर्म जीरो है, यहाँ पे टी स्क्वायर का टर्म कहाँ पे बनने वाला है, यहाँ पे माइनस पी, और यहाँ पे टी स्क्वायर का टर्म ये है प्लस थ्री ए, सो थ्री ए इज इक्वल टू बी, सो बी का वैल्यू कितना आएगा माइनस ट्वेल्व।
So a is minus 4 and b is minus 12. Option b is correct. Next is question number 44. So integral e raised to x sin x plus cos x, x raised to 4 cos cube x minus x sin x plus cos x divided by x square cos square x dx, ये हमको evaluate करना है, ठीक है। तो यहाँ पे काम ये करेंगे, e raised to x sin x plus cos x, इसको इसके साथ सेपरेट कर देंगे तो x square cos x आ जाएगा माइनस, तो इसको ऐसा लिखते हैं cos x minus x sin x by x square cos square x dx, सेपरेट कर देंगे दो इंटीग्रल्स में। सो दिस इज इंटीग्रल e raised to, मान लो इसको आपने g of x फंक्शन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, x into x cos x is g dash of x, तो अगर आप इसको g लेते हो इसका डेरिवेटिव x cos x आता है इसका, और यहाँ पे जो x cos x है उसको g dash of x लिख देंगे, प्लस इंटीग्रल अभी दूसरा e raised to, ये टर्म है x sin x plus cos x into ये वाला टर्म। तो अब दोनों को मैं नेक्स्ट फ्रेश पेज पे कैलकुलेट करूँगा, पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ से इसको यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ यू टेक दिस इंटीग्रल एज वन, सो दिस वन इंटीग्रल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ई रेज टू नाउ एक्स इंटू ई रेज टू जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यू इंटीग्रल ऑफ ई डी एक्स माइनस इंटीग्रल यू डैश, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, विच इज एक्स इंटू, नाउ इफ यू पुट जी एक्स इज टी, जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा डी टी, तो ई रेस टू टी डी टी आ जाएगा, दैट इज ई रेस टू टी, तो ई रेस टू जी एक्स इसका इंटीग्रल आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ई रेस टू जी एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है, फाइन। तो ये हमने वन जो है इवेल्यूएट कर दिया, वन इंटीग्रल। अब सेकेंड इंटीग्रल पे आते हैं, लेट्स से दिस इज इंटीग्रल टू, सो इंटीग्रल टू विल लुक लाइक दिस, इंटीग्रल ई रेज टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स। तो अब हम लोग इसको यू फंक्शन लेंगे और इसको लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो ई रेज टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यू इंटीग्रल ऑफ ई डी एक्स। अभी देखो इसका इंटीग्रल जब लगाओगे, तो अगर आप इसको टी लेते हो तो ऊपर ये वाला टर्म इसका डेरिवेटिव है, तो ऐसा कुछ दिखेगा, ऊपर डी टी आ जाएगा ये टर्म और डी एक्स डी टी बनेगा, यहाँ पे वन बाय टी स्क्वायर होगा, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस वन बाय टी। समझ में आ रहा है, सी इफ यू पुट दिस एज टी, दिस होल टर्म डी एक्स विल बिकम डी टी, तो वन बाय टी स्क्वायर डी टी इसका इंटीग्रल आएगा, प्रॉपर लिख के देख सकते हो, ये यू फंक्शन यू इंटीग्रल वी डी एक्स इसका इंटीग्रल, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल अपन लिखने वाले हैं, तो इंटीग्रल आएगा माइनस वन बाय टी, टी मतलब एक्स कॉस एक्स यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल यू डैश इसका डेरीवेटिव। तो इसको ना हम लोग फिर से जी लिख लेते हैं, तो डेरीवेटिव ऑफ ई रेज टू जी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स इसका इंटीग्रल माइनस वन बाय टी माइनस वन बाय एक्स कॉस एक्स, ऐसा आ रहा है, फाइन। सो जी एक्स माइनस साइन अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस विल बिकम प्लस, इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ई रेज टू जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स बाय एक्स कॉस एक्स, और जी डैश ऑफ एक्स क्या है, तो ये जी एक्स है, जी डैश ऑफ एक्स क्या है एक्स कॉस एक्स, सो दिस जी डैश ऑफ एक्स इज एक्स कॉस एक्स, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होगा, सो आपके पास ये बचा रहेगा। देखो इंटीग्रल वन हमने इवेल्यूएट किया, इंटीग्रल टू हमने इवेल्यूएट किया, सी दीज आर वेरी लेंदी इंटीग्रल्स, मेरा
काम यह है कि आपको आइडिया समझा के देना, समझ के आपको आराम आराम से एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा, तब जाके आपके माइंड में यह बैठेगा। तो 102 को ऐड करोगे तो ई एक्स इंटू ई रेस टू जी एक्स आएगा, यहाँ पे माइनस इंटीग्रल ई रेस टू जी एक्स आएगा, और ये सेकेंड इंटीग्रल का आंसर है माइनस ई रेस टू जी एक्स बाय एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल ई रेस टू जी एक्स, दिस इज नेगेटिव, दिस विल कैंसिल आउट, अपना आंसर ये है। जी एक्स मतलब वो ऊपर वाला फंक्शन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला। सो ये क्वेश्चन निकल गया, उसके बाद जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। सो वी हैव इंटीग्रल साइन इनवर्स 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 dx, which is integral sine inverse 2x plus 2 divided by root of. Now, this can be written as 2x the whole square plus 2 into 2x, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो एक 2 यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे हम लोग क्या स्क्वायर मतलब 4 लगा देंगे, 4 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 dx, ऐसा लिख देंगे इसको। सो इट विल बिकम साइन इनवर्स 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 द होल स्क्वायर dx। यहाँ से बनेगा सब्स्टिट्यूशन, 2x प्लस 2 को लिखना है 3 tan थीटा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 3 tan थीटा बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर, एंड डी एक्स अपन निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 डी एक्स होगा 3 6 स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 बाय 2 6 स्क्वायर थीटा डी थीटा, विच इज़ इंटीग्रल साइन इनवर्स 3 टैन थीटा बाय 3, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 थीटा, 2 into 6 square theta d theta, which is integral sin inverse, tan is sin by cos, तो यहाँ पे आ जाएगा sin theta 3 by 2 6 square theta d theta, so this is 3 by 2 integral theta 6 square theta d theta, आगे integrable है, इसको u function इसको v function ले लो। Next is question number 46. Evaluate integral x square into x 6 square x into x 6 square x plus tan x divided by x tan x plus 1 the whole square dx. So which is equal to integral. अब x tan x plus 1 का derivative क्या है, देखो x डेरिवेटिव 6 स्क्वायर एक्स प्लस टैन एक्स इंटू एक्स डेरिवेटिव, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको अपन यू फंक्शन लेंगे और ये पूरा का पूरा वी फंक्शन लेंगे, ठीक है ये वाला, तो यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, माइनस इंटीग्रल यू डैश इसका डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, इसका इंटीग्रल अभी लगा ही देते हैं, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन का स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल होगा माइनस वन बाय एक्स टैन एक्स प्लस वन डी एक्स, सो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स टैन एक्स प्लस वन प्लस टू इंटीग्रल एक्स बाय एक्स टैन एक्स प्लस वन डी एक्स, ये ऐसे आ रहा है। अब अपने को ये इवैल्यूएट करना है, सो नाउ दिस इज x अपॉन x साइन x प्लस कॉस x इंटू कॉस x डी एक्स। अगेन अगर आप ऑब्जर्व करो, नाउ x साइन x प्लस कॉस x का डेरिवेटिव, नाउ x इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस x प्लस साइन x इंटू x का डेरिवेटिव 1, कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या आएगा यहाँ पे log ऑफ, इसका इंटीग्रल क्या आएगा log ऑफ x साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स, टू तो है ही यहाँ पे, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स टैन एक्स प्लस वन, दिस इज़ द कम्प्लीट आंसर। तो यहाँ पे जो है हमारा सेशन फोर के जो सम्स है सॉल्व एग्जांपल्स वो ख़त्म होते हैं। तो सेशन फोर को आप टारगेट रखो कि जल्द से जल्द ख़त्म हो और उसके डाउट्स आप मुझे भेज दो।